नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, मेरी आवाज़ अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। सो दिस इज़ अ डे इन माय लाइफ, मॉर्निंग रूटीन, नॉट मॉर्निंग रूटीन रूटीन, बट हाँ कुछ मेरे मॉर्निंग हैबिट्स है जो मैं सालों से फॉलो करती आई हूँ। सो दिस इज़ अ जूस विच इज़ मेड अप ऑफ आंवला, लेमन एंड अदरक, जो मैं हर सुबह पीती हूँ विथ adding little bit of warm water, it's really good for your gut। फिर आधे घंटे के gap के बाद मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और इस आधे घंटे में मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। लाइक ये इतना बड़ा जो मेरा बॉटल है, टम्बलर है, उसका दो बार मैं उसको भर के पीती हूँ, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर गट एंड स्किन स्पेशली। सो उसके बाद चाय बनाया। चाय मैं ऐसे बैठ के नहीं पीती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे वो खड़े खड़े चाय पीते पीते एक्चुअली मैं खाना भी बना लेती हूँ साइड बाई साइड। आज ना मेरी फ्लाइट है ना मेरा ऑफ है। बेसिकली मैंने आज रिपोर्ट से किया है बिकॉज़ मेरा नेक पेन बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैंने रिपोर्ट से किया। मैं सच कह रही हूँ। टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट से पॉलिसी इन एविएशन, रिपोर्ट से करना इन एविएशन इज़ नॉट एट ऑल ईजी गाइज, बहुत हेडेक है। एयरलाइन का पता नहीं, लेकिन हर ऑफिस, हर कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ऑफकोर्स आपके कुछ सिक लीव्स होते हैं, कुछ पीएस होते हैं, पेड लीव्स होते हैं, बट इन एविएशन इफ़ यू वांट टू रिपोर्ट सिक फॉर मोर देन वन डे देन आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एंड इन माय एयरलाइन इवन इफ़ यू रिपोर्ट सिक फॉर वन डे दे विल आस्क यू टू कम फॉर वेरिफिकेशन, कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपको सर्दी है, हेडेक है, दे विल कॉल यू और दे विल आस्क यू टू वेरीफाई। जाता कोई नहीं है बिकॉज मुझे भी कहा जाता है, बट अगर मैं 24 घंटे के रिपोर्ट सिक में इतनी दूर एयरपोर्ट जा सकती हूँ, डजेंट मैटर कितनी दूरी है मेरे घर से एयरपोर्ट, बट अगर मैं एयरपोर्ट जा सकती हूँ तो मैं यूनिफॉर्म में क्यों ना जाऊँ। सो आई नेवर गो। येस, अगर मेरा 24 आवर्स से ज़्यादा का लंबा रिपोर्ट सिक है, इफ़ आई एक्सटेंड देन आई डेफिनेटली सेंड अ डॉक्यूमेंट, बिकॉज यू हैव टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू वैलिडेट आपका सिक लीव। 16 या 12 वैसे ही कुछ है जो सिक लीव मिलता है। अगर आपका सिक लीव ख़त्म हो गया, आप पर डिपेंड करता है, एक साथ लेना है, एक एक करके लेना है, इट्स अप टू यू हाउ यू प्ले स्मार्ट विद इट। बट अगर आपका सिक लीव ख़त्म हो गया है तो वो फिर अगर आप रिपोर्ट सिक करते हो, दैट विल बी LWP। एंड वन थिंग इज़, जो आपका स्टाफ ट्रैवल होता है, जब आप सिक लीव करते हो तो आप अपना स्टाफ ट्रैवल यूज़ नहीं कर सकते हो, द एयरलाइन कम्स टू नो, एंड इट्स नॉट गुड इफ दे कम टू नो दैट। तो हाँ, दैट वॉज ऑल अबाउट सिक लीव। टॉकिंग अबाउट द डे, आधा दिन तो आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या किया। शाम की बात करें तो मैं सोच रही हूँ, पहले तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपना गला दिखाने के लिए, बिकॉज दिस पेन इज़ नॉट नॉर्मल, एंड सेकेंड मे बी आई गो फॉर वर्कआउट। थर्ड, मैं बहुत 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 दिन से सोच रही हूँ कुछ तो आर्ट वर्क करने की, मे बी पेंटिंग, स्केचिंग और मंदाला आर्ट। सो लेट्स सी, आज मेरा बहुत मन है करने का, एंड आई एम डेफिनेटली गोना मेक, छोटा सा ही आर्ट पीस है बट आई एम डेफिनेटली गोना मेक, सो दैट इज़ अ मिशन। Thank you.
सो एडिटिंग हो गया, अपलोड भी हो गया, बाय द टाइम आप ये ब्लॉग देख रहे हो वो अपलोड भी हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग फॉर रनिंग। यूजुअली मैं शाम को ही जाती हूँ क्योंकि सुबह अदर कमिटमेंट्स होते हैं। एनी हाउ सो एक्चुअली मेरे लेफ्ट लेग में थोड़ा सा पेन है, अगर मैं नहीं दौड़ पाई देन आई विल वॉक, बट आई विल गो, क्योंकि अगर मैंने अभी अवॉइड किया ना देन बाद में फिर वो आलस आ जाता है, देन आप कभी नहीं जाते हो। एंड बाय द वे दे आर माय वर्कआउट हेडफोन्स बोस लिमिटेड एडिशन, यू सी हैशटैग शो ऑफ। गार्डन में आना बहुत पसंद है। आई फील लाइक इट इज़ अ बेस्ट प्लेस। ब्लेस्ड बोलने वाली थी, या इट इज़ अ ब्लेस्ड प्लेस एक्चुअली। ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स लाइक 10-15 मिनट्स। बहुत पसंद है मुझे जगह, यहाँ हवा ही अलग है, मज़ा आता है। और यहाँ का वन राउंड आई गेस इज 1 किलोमीटर, और मोर देन दैट कभी मैंने नापा नहीं है, बट हाँ फेफड़े मुंह में आ जाते हैं मेरे। आ गए मैं घर। हाय रे अंधेरा, हाँ ये परफेक्ट लाइट है। सो वॉक किया, फिर मैंने वॉक किया, रनिंग किया, ज़्यादा कुछ वर्कआउट नहीं किया बिकॉज मेरे लेफ्ट नी में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैंने कहा लेट्स नॉट फोर्स माई सेल्फ, इट्स नॉट गुड। 12 बजने से पहले तो 15,000 स्टेप हो ही जाएंगे आज। रहे हैं 10 एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 15,000 स्टेप्स। ये प्राउड ऑफ मिसेस। एडिटिंग करके बोर हो गई हूँ मैं, सच बता रही हूँ। यू नो कंटेंट बनाना बहुत इजी है, बट एडिटिंग इतना बोरिंग काम है ना, मैं बता नहीं सकती। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी तो यू नो मुझे टाइम भी मिलता है फिर भी मैं एडिटिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे इतना कंटाल आ रहा होता है उसको करने के लिए। जो लोग रोज़ रोज़ कंटेंट डालते हैं, रोज़ रोज़ एडिटिंग भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, भाई अपने पैर की फ़ोटो भेजो, मैं उस अगरबत्ती घुमाऊँगी उस पर, भाई मान गए मैं तुम लोग को। एनी हाउ आई जस्ट रियलाइज मेरे बाल पूरे गीले पसीने से, एंड स्टिल मैंने उसको बांध के रखा था। TRS का नया कोई तो वीडियो आया, लेट्स वॉच दैट, और साथ में हम थोड़ा आर्ट वर्क करेंगे, देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। लेट्स डू सम रिसर्च, एंड मैं पेंटिंग के मूड में हूँ, लेट्स पेंट समथिंग। आप एक इंसान हो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, और अभी भी आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, ऊपर वाले, मैं मानता हूं, और हमेशा रहता है, किसी भी रूम में जाओ वो हाथ रहता है आपके साथ, और जितना आप उस प्रेजेंस को फील करोगे उतना ज्यादा प्रेजेंस की ताकत। जनरली बिलीव आई एम अ गॉड स्किल्ड, मतलब 2000% आई एम अ गॉड स्किल्ड। सर ने अभी जो कुछ भी बोला है रिलेट टू हिम सो मच, इनको तो 2000 लगता है, मुझे तो 10,000 से भी ज्यादा परसेंट लगता है, लाइक इनफाइनाइट। Always in my life, I have, पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है that I am a special kid to God. मेरे कभी कोई काम रुके नहीं है। लोगों के हिसाब से people always think के मैं life में बहुत delay चल रही हूँ, या जो भी reason वो सोचते हैं, जो भी negative सोचते हैं, but मुझे पता है कि मेरी life कितनी सही है, मैं कितनी चीज़ों से बची हूँ, like बहुत सारी चीज़ों से बची हूँ, and मेरे रास्ते अपने आप खुलते गए। ऐसा नहीं है कि अरे मुझे मेहनत करके डिक करना पड़ा है, नहीं, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क रहा है मेरे लाइफ में, लेकिन कैसे वो रास्ता था, ऑल आई हैव टू डू इज वॉक, मेहनत करनी है, बट ऑफ कोर्स आई ऑलवेज हैड अ पाथ कि हाँ अब इस पे चलना है, अब इधर चलना है, उधर चलना है, वर्क हार्ड। सो मुझे भी ऐसा हमेशा लगता है, एंड मैं हमेशा गलत एनर्जी, गलत लोगों से, मैं हमेशा अपने आप ही दूर हो गई हूँ, अपने आप, लाइक भगवान ने मुझे कुछ तो यू नो हिंट या इशारा दिया है, एंड द पीपल आर आउट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। देखो हैशटैग ज्ञान मोमेंट, थोड़ी हैवी बात होगी बट
ट्रस्ट मी स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, खून का रिश्ता हो, दूर का रिश्ता हो, पास का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो जिंदगी में, अगर उस रिश्ते के वजह से आपका यहाँ बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऑल यू आर डूइंग, ऑल यू वॉन्ट इज टू सिट एट वन कॉर्नर एंड क्राई, स्टेप आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. ऐसे रिश्तों से दूर हो जाओ, कोई मतलब नहीं है. ये मत सोचो अरे मेरे इतने सालों का रिश्ता, अरे मेरे परिवार, अरे मेरे अपने. जब तुम्हें दर्द होगा ना, कोई नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, कोई नहीं आएगा. आपका दर्द लोग बोलेंगे कि हाँ हम समझ सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, कोई नहीं समझ सकता आपका पेन. आपका पेन आप ही समझ सकते हो, एंड आपको ही उसे फिक्स करना है, कोई फिक्स नहीं करेगा. हाँ हो सकता है कि कोई यू नो की नसीब बहुत अच्छी तो कोई आके आपको कंधा दे दे रोने के लिए, थोड़ा यू नो मेंटल सपोर्ट दे दे, बट एट द एंड वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. वो वहां से सपोर्ट देके हट जाएंगे. देन इट्स यू हु हैव टू डील विद इट 24/7. सो बी स्ट्रांग फ्रॉम योर. और जो लोग आपको यहाँ से स्ट्रांग होने में मदद नहीं कर रहे, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से. टॉक्सिक माहौल में कभी नहीं रहने का. और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उसका हिस्सा कभी नहीं बनने का. जस्ट बी इन योर जोन. ये एज का असर है. जैसे जैसे एज होते हैं ना, ऐसे ज्ञान भरी बातें हमारी निकलती रहती है. ज्ञान की बात हुई कंप्लीट. लेट मी वॉच द सीरीज. तो जो कुएं का मेंढक बेटा की कहावत, उसको लगता है दुनिया इतनी छोटी है, तो जब आप निकलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है यार इतना कुछ समझने को, इतना कम मैं जानता था, इतनी खूबसूरती है हमारे देश की. आप यात्रा करोगे तो नॉर्थ जाओगे तो वहाँ हमारे यहाँ जो मुंडी ऐसे हम है साउथ में ये नाम है. Again, I relate to this. I feel like traveling ने मुझे एक अलग इंसान बना दिया because of my job. I'm privileged. मैंने अभी कहा I feel like I'm a God's child because of my job. मेरे job में बहुत facilities and I'm so privileged in my job that मुझे travel करने मिलता है. मतलब हम कंपनी के खर्चे पे ट्रैवल करते हैं और घूमते हैं, इमेजिन शॉपिंग भी करते हैं. वो बात की बात है, बट जो रियल लाइफ होती है कि यार व्हेन यू ट्रैवल अलॉट, मैंने ये सीखा है, जब आप बहुत ट्रैवल करते हैं आप, एंड ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि लग्जरियस जगह रुके और उसी रूम में पड़े हैं, नहीं, जब आप बाहर निकलते हैं लिटरली आप लाइक जा रहे हो जगह पे, एक्सपीरियंस कर रहे हो, पहाड़ हो गए, नदी हो गया, गार्डन हो गया, कुछ भी हो गया, यू लर्न सो मच अबाउट पीपल, यू लर्न सो मच अबाउट आवर कल्चर स्पेशली. एंड सबसे बड़ी बात, आपकी सोच बड़ी हो जाती है. एंड आप बहुत बहुत मतलब हर छोटी छोटी बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती, आपकी सोच बहुत ब्रॉड हो जाती है, आप बहुत लिबरल हो जाते हो, समझने में बिलीव करते हो कि हर चीज़ में कंप्लेन करना आप छोड़ देते हो. आप सोचते हो होगी कोई वजह, होगी कोई वजह, बिकॉज यू हैव सीन सो मैनी थिंग्स. आप यहाँ से बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा. दैट इज़ हेल्प मी. हम रोज़ पैसेंजर से डील करते हैं, कैबिन पर ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं तो समझेंगे कैसे. मैंने सोचा था मैं आर्ट वर्क करूँगी, बट मैंने बैक टू बैक इतने एपिसोड देख लिए कि अब बज रहे हैं कुछ 12:30, 1, मुझे नींद आ रही है. आई हैव टू एंड द व्लॉग. नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, नेक्स्ट यूट्यूब शॉर्ट में मिलूंगी, कहीं तो मिलूंगी फॉर श्योर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस विन. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद.